इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अपने इन्हेलर का इस्तेमाल कितनी बार करने की ज़रूरत है। इस दवा का असर कुछ दिनों के बाद नोटिस किया जा सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही यह अपने अधिकतम तक पहुंचेगा। इस दवा को असरदार होने के लिए इसे नियमित रूप से लिया जाना चाहिए, इसलिए आप इसे लेते रहें चाहे आपको कोई लक्षण न हो। इसका मतलब है कि दवा का असर हो रहा है। अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका COPD और भी खराब हो सकता है। अचानक हुई सांस लेने में परेशानी से राहत देने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर अचानक सांस उखड़ना शुरू हो जाती है तो अपने बचाव इन्हेलर का इस्तेमाल करें। इस दवा से लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी इन्हेलर तकनीक सही रखें, अन्यथा यह भी काम नहीं करता है। सबसे आम साइड इफेक्ट में मुंह में सूखापन, सांस की तकलीफ, खांसी, कंपकंपी, सिर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ जाना और मांसपेशियों में क्रैम्प शामिल हैं। अगर आपको ये हो जाए तो इसे लेना बंद न करें बल्कि अपने डॉक्टर से बात करें। आप इनमें से कुछ लक्षणों की अपने मुंह और गले को पानी से कुल्ला और गरारा करके या अपने इन्हेलर का उपयोग करने के बाद अपने दांतों को ब्रश करके रोकथाम सकते हैं। दूसरे दुर्लभ साइड इफेक्ट हैं जो गंभीर हो सकते हैं। अगर आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी या लिवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वह आपको एक उचित डोज दे सके। अगर आप गर्भवती है, गर्भवती होने की योजना बना रही है या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। ड्यूलिन रेस्प्यूल्स के लाभ। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। ड्यूलिन 3 रेस्प्यूल्स 3 मिलीलीटर दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है जो आपके फेफड़ों में मौजूद श्वसन तंत्र को खुला रखने में मदद करता है। वे इन एयरवे के मांसपेशियों को आराम देकर काम करते हैं। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। इससे आपको छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत मिलेगी और आपको अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद मिलेगी। ड्यूलिन 3 रेस्प्यूल्स 3 मिलीलीटर एक सुरक्षित और असरदार दवा है। आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। इसके सही तरीके से काम करने के लिए आपको अपने इन्हेलर का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने डॉक्टर या नर्स से पूछें। ड्यूलिन रेस्प्यूल्स के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ड्यूलिन के सामान्य साइड इफेक्ट। मुंह में सूखापन, सांस फूलना, खांसी, झटके लगना, सिर दर्द, दिल की धड़कन बढ़ जाना, मांसपेशियों में क्रैम्प। ड्यूलिन रेस्प्यूल्स का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवाई को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। रेस्प्यूल ट्रांसप्यूल के ऊपरी भाग को मरोड़ें और नेब्यूलाइजर में सारा तरल निचोड़ें। खोलने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।